Hey guys, welcome to our channel Bara Hunter The Art of Fishing. Guys, I am back with the another episode जिसमें हम बात करने वाले एक ऐसे lure के बारे में जो कि फ्रेश वाटर फिशिंग के लिए काफ़ी magical lure है and काफ़ी टाइप के मछलियों के लिए टारगेट किया जा सकता है. सो ये जो lure है आपके सामने दिख रहा है, दिस इज़ अ स्पिनर. सो आज हम इसी पर्टिकुलर lure के बारे में बात करेंगे एंड आपको इसको किस तरह से खेलना चाहिए, इसको किस तरह से चलाना चाहिए, इसे क्या क्या सीक्रेट्स है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में. एंड आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से इसको यूज़ भी करते हैं. सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, इसको स्किप ना करें वीडियो को. एंड अगर आपके कुछ डाउट्स एंड कंसर्न हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आकर पूछ सकते हैं 1-to-1. सो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल. Without wasting any time, let's start the video, guys. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक स्पिनर है. स्पिनर का असेंबली मैं आपको दिखा दूं. इस तरह का ट्रेबल हुक लगा होता है एंड ये जो होता है ये वेट का काम करता है. इसमें वजन होता है अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे. एंड पीछे की तरफ यहाँ पे स्पेसर लगा होता है जो इस वेट के असेंबली के ऊपर इस ब्लेड को सेपरेट करता है इससे, सो दैट एकदम चिपक के नहीं चले. एंड उसका स्पिनिंग जो राउंड राउंड घूमता है वो आराम से होए और अच्छे से एक्शन मिले इसके ऊपर. सो इस तरह का ये सेटअप होता है स्पिनर का. ये ब्लू फॉक्स कंपनी का नंबर 4 स्पिनर है. नंबर 4 इज़ अ गुड साइज स्पिनर, मीडियम साइज़ का, क्योंकि इसमें सभी टाइप की मछलियाँ टारगेट कर सकते हैं. इससे छोटा भी मिले तो आप छोटे भी साइज़ के स्पिनर रखा करें. स्पिनर के ऑलमोस्ट सभी साइज़ आपके पास होने चाहिए. ब्लू फॉक्स कंपनी का काफ़ी अच्छा स्पिनर है जो बहुत दिनों से एंगलर्स यूज़ करते हैं. इसको मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ चीप एंड बेस्ट स्पिनर. बाकी बहुत सारी कंपनीज़ के लिए स्पिनर्स आते हैं, सो आप उनको भी परचेस कर सकते हैं. मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये. अगर आपको परचेस भी करना हो और आपको कोई कांटेक्ट नहीं है मार्केट में, तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो जो भी स्पिनर आपको चाहिए. एंड इसके जो 5 नंबर 6 नंबर बड़े भी साइज़ के भी मिलते हैं, जिससे उनका वजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी कास्टिंग अच्छी होती है. सो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे. ये बहुत ही अच्छा एक्शन देता है, स्पिनिंग एक्शन. ये स्पिन होता है, स्पिनिंग मतलब राउंड राउंड घूमता है ये इस तरह से. इसका जो ब्लेड होता है वो इस तरह से राउंड राउंड घूमता है इसमें पानी में. एंड ये सिल्वर होने की वजह से चमकता है. इसमें 2 कलर आता है गाइस, सिल्वर एंड गोल्डन. आप कोई भी सिल्वर एंड गोल्डन में से कोई भी कलर परचेस कर सकते हो. मार्केट में बहुत सारे स्पिनर्स होते हैं जिसमें मल्टीपल कलर्स भी आते हैं, उस पर डिज़ाइन भी आता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो. ये आपके ऊपर है, सभी चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, फिशिंग का वही मज़ा है गाइस. सो इसको हम देखेंगे किस तरह से हम इसको यूज़ करें. बेसिक आपको बता दूँ, इस स्पिनर के थ्रू मैंने अभी तक वलागो अट्टू एंड स्नेकहेड दोनों भी पकड़ा हुआ है स्पिनर के थ्रू, तो आप दोनों भी मछलियों को टारगेट कर सकते हो इससे. इवन मासिर भी मैंने पकड़ा है, तो आप मासिर भी इस पर टारगेट कर सकते हो. सो एक ही सिंगल लूअर पे आप तीनों भी मछलियाँ टारगेट कर सकते हो जो प्रेडेटर फिश है, जो मीठे पानी की शिकारी मछली है. सो आराम से आप एक ही स्पिनर के ऊपर 3 मछलियों को टारगेट कर सकते हो. इसका प्राइस गाइज मैं बता दूँ, काफ़ी सस्ता होता है ये, नियर अबाउट 100 रुपीज़ के आसपास का होता है. सो इसलिए हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ख़रीदना. अगर वो कहीं अटक के टूट भी गया तो भी हमको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि टूटने के बाद भी कोई बहुत महंगा नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं होता है गाइस. तो हम दूसरा भी परचेस कर सकते हैं अगर टूट गया तो. अगर आप बहुत महंगा वाला स्पिनर लेते हो तो आपको टेंशन लगा रहता है यार कहीं अटक जाएगा टूट जाएगा. जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया ये किस तरह से चलता है, सो पानी में मैं आपको इसका एक्शन भी दिखाता हूँ. देखिए इस तरह से ये राउंड राउंड घूमता है. आई होप यू कैन सी दैट. आप देख सकते हैं किस तरह से ये घूम रहा है और घूमते हुए चमकता है. जब चमकता है तो ये ऐसा लगता है कि कोई छोटी मछली वहाँ पे घूम रही है, तो उसको ही देख के ये जो स्नेकहेड और मसीर एंड मल्ली है वो उस पर अटैक करते हैं. अभी तक का मेरा अंदाज़ा रहा है गाइस कि इसके ऊपर काफ़ी अटैक होता है मल्ली और स्नेकहेड का. सो आप इस लूर को कंसिडर कर सकते हैं, इसको यूज़ करें, ख़ास करके जहाँ पर मल्ली को नॉर्थ साइड में पढ़िन भी बोलते हैं. सो वो मछली को ज़्यादा शिकार किया जा सकता है इसके ऊपर. सो इसको यूज़ करें. अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है गाइस. अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये एक डैम है. डैम का पानी कैसा है कि ये बड़ा वाटर बॉडी है और काफ़ी गहरा भी है, तो हमको पता नहीं है कि मछली कहाँ पर है. सो मेरे स्टडी के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से, जो मछलियाँ होती हैं
वो इस तरह के घास आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो वीड है पानी के अंदर, इस इसके नीचे के आसपास वो लोग छुपते हैं, खास करके जो स्नेकेड फिश होती है। एंड जो मल्ली होती है वो तो यहाँ वहाँ घूमते भी रहती है, वो अटैक करती मल्ली एंड मासीर, बट स्नेकेड इसके इस तरह के स्ट्रक्चर या घास फूस के नीचे रहते हैं। सो हमको टारगेट करना होता है कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है उसके नीचे के आसपास से ही लाए। जैसे यहाँ पे मैं कास्ट करता हूँ ऐसा, तो मुझे इसको इस तरह से स्पिन करना है कि इसको ये घास के नीचे से आए। सो अगर उसके आसपास रहेगा स्नेकहेड तो उसको अटैक कर देगा एंड पकड़ लेगा तुरंत ही। जिस डैम में मैं अभी डेमो कर रहा हूँ इसका, इस डैम में कुछ खास एक्टिविटी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ओवर फिशिंग होता है, नेटिंग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। सो इस तरह से स्ट्रक्चर के आसपास से लाए आप। एंड अगर आप डीप में फिशिंग कर रहे हैं, खास करके जब डे टाइम में आप फिशिंग करते हो, अगर डे टाइम में कर रहे हो फिशिंग, धूप का टाइम है जैसे 2 बजे 3 बजे सुबह 11-12 बजे, तो ज़्यादा करके मछलियाँ बॉटम में होती है, मतलब नीचे एकदम होती है तल में, तो आप उसके उसको टारगेट करने के लिए इस तरह के स्पिनर को कास्ट करना है आपको। कास्ट करने के बाद जब वो टच हो जाता है नीचे, आपको इस तरह से वेट करना है कि वो पूरा नीचे सेटल हो जाए। देखिए लाइन किस तरह से जा रही, लाइन अभी भी जा रही, लाइन मतलब इतना डीप है वो अभी भी जा रही है, तो इस तरह से उसको पूरा सेटल होने दे उसको। देखिए अभी जाके वो टच हुआ है नीचे, एंड उसके बाद उसको थोड़ा स्पीड मिला। जैसे आपको प्रेशर फील होएगा, प्रेशर फील होने का मतलब है कि उसका ब्लेड जो है वो घूम रहा है, जब ब्लेड घूमता है तभी उसको एक्शन मिलता है। सो उसी घूमते हुए एक्शन में थोड़ा प्रेशर फील होए आपको, उसी एक्शन में आपको स्लो 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 रिट्रीव करना है। आप देख सकते हैं मेरा रील किस स्पीड में आ रहा है, ये इसी तरह से आपको स्लोली एकदम रिट्रीव करना है, इतना स्लो करना है कि ताकि उसमें आपको प्रेशर फील होए स्पिनर के ऊपर। अगर वो एक्शन नहीं देगा तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम एकदम स्ट्रेट आ रहा है, कुछ प्रेशर ही फील नहीं होगा। देखिए इस तरह से घूमते हुए आना चाहिए वो। तो ये हो गया जब अगर डीप वाटर में डे के टाइम में आप फिशिंग कर रहे हो। अगर शाम का टाइम है, जैसे शाम के 5 बजे 6 बजे 7 बजे ये टाइम है, या रात का टाइम है, तो उसमें जो ये मछलियाँ होती है इनका एक्टिविटी ज़्यादा करके सरफेस पे होता है। ये सरफेस पे ही यहाँ वहाँ घूमते रहती है, आपको दिखेगा ऊपर उड़ी मारती हुई दिखेंगी, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कास्ट करना है। कास्ट करने के बाद आपको उसको ज़्यादा नीचे बैठने नहीं देना है, उसको थोड़ा मीडियम लेवल पे ही उसको लाना है। मीडियम लेवल पे लाने के लिए आप नॉर्मली कास्ट करके स्पिनिंग करते रहोगे मीडियम स्पीड में, तो वो उसी लेवल पे आएगा जब तक कि आप उसको नीचे सेटल नहीं होने देते। अगर आप उसको नीचे बैठने दोगे तो ही बैठेगा वो नीचे स्पिनर। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं स्पिनर को। बाकी जैसे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, आप सब जगह पे कास्ट करें। आप देखें पूरा अपना जो आपका एरिया है फिशिंग का, उसके लेफ्ट से लेकर राइट साइड तक 2-2, 4-4, 5-5 कास्ट करें ऐसा। अगर वहाँ पे दिख रहा है आपको कि उड़ी मार रहा है जो मछली, तो आपको जल्दी उसको अटैक करेगा वो। अगर नहीं कर रहा अटैक तो थोड़ा आगे पीछे आप स्पॉट चेंज करके दूसरी जगह पे भी ट्राई करें, एक ही जगह पे बैठे नहीं। ये काफ़ी ही प्रोडक्टिव लीवर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। बट जो महंगे लीवर स्पिनर्स आते हैं वो, जो अगर एक्सपीरियंस एंगलर है आप लोग, तो महंगे स्पिनर्स भी खरीद सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है उनका एक्शन, उनमें रिजल्ट भी जल्दी मिलता है, उनका वेट भी ज़्यादा होता है, थोड़ा साइज़ बढ़ा लेंगे तो आप लंबा कास्टिंग कर सकते हो, काफ़ी दूर तक कास्ट कर सकते हो, तो बड़ा एरिया आप कवर कर सकते हो। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड आपसे आशा करता हूँ कि आप स्पिनर को यूज़ करेंगे, उसके रिजल्ट्स आपको हमको पोस्ट करेंगे ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कुछ कैचेस लगते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फ़ोटो शेयर करें, एंड अगर आप के कोई सजेशंस है, कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो, मिस कर दिया हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट हम अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इंस्टाग्राम का लिंक के नीचे, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड नीचे जो 2 वीडियो आ रहे हैं गाइज, ये भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी वीडियो पूरा देखें आप, एंड एंजॉय करें अपनी लाइफ को एंड फिशिंग को। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, वेरी सून।